तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्कैरी टीचर की टॉप 3 सीक्रेट रूम के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको उसके पहले तक के बिल्कुल भी नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं पता थे भाई। और अगर गलती से पता भी थे तो कौन से झंडे गाड़ लिए। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ यार, क्या करूँ, मेरे अंदर का दर्शक मेरे को रोक रहा है, लेकिन आई एम अ यूट्यूबर एंड भीख मांगना इस माय जन्मसिद्ध अधिकार। इसके लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी फट गई है। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट नंबर 1। तो चलो यार, फटाक से चलते हैं सीढ़ी से ऊपर में, क्योंकि ऊपर में जाने के बाद में मैं आपको राज की बात बताऊंगा। तो चलो फटाक से चलते हैं अभी अपन ऊपर में, और अपना ने क्या सीक्रेट रूम अभी हमें यही से दिखाई देगा। देखो भाई यार, यहाँ से जगह है कि क्या नहीं है, अबे यार दिख जा, यही से दिख जा। ओ भाई मैं तो गिर गया। चलो यार रहने दो, मैं आपको यही से बता देता हूँ। चलो देखो, विंडोज का जो सेकंड नंबर का लाइन दिख रहा है ना, ऐसे हॉरिजेंटल, वही है नहीं कि अपना सीक्रेट रूम भाई। तो यार इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन देखिए मैं आपको इसका सबूत सबसे लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले सेकंड और थर्ड वाले सीक्रेट रूम के बारे में जान लो। तो चलिए चलते हैं फटाक से सीक्रेट नंबर 2 एंड 3 एक साथ। तो अभी हमें हमारा नेक्स्ट सीक्रेट रूम मिलेगा बेसमेंट में, जी हाँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा भाई, लेकिन देख लो क्या जाता है। आपको ने क्या वाला प्रूफ देखना है ना वाले सीक्रेट रूम का? तो भाई देखो, ये है हमारा सेकंड नंबर का सीक्रेट रूम, और भाई इधर ही है हमारा सीक्रेट रूम नंबर 3। दिखाऊँ क्या? चलो भाई दिखा देता हूँ आपको। ये तो हो गया सीक्रेट रूम नंबर 2, और भाई यही पर है हमारा सीक्रेट रूम नंबर 3। और एक राज की बात बताऊँ, मेरा ने क्या हमेशा सीक्रेट रूम नंबर 2 पर तो हमेशा ही नज़र जाता था, लेकिन भाई अभी अभी ने के वीडियो बनाते समय मेरा ने क्या नज़र गया है सीक्रेट रूम नंबर 3 पर भाई। यानी कि नहीं कि आपको सिर्फ 2 ही रूम के बारे में पता चला रहता अगर आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था तो। लेकिन भाई एकदम से ही नहीं कि मैं चेक करने के लिए आया और मेरा नज़र ने क्या इस रूम पर भी चले गया यार। फिर मैंने बोला, अच्छा तो भाई बाजू में भी एक रूम है यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला। तो चलो यार, आपको तो पता चल गया है ना अभी, तो चलिए अभी अपन चलते हैं सीक्रेट रूम नंबर 1 के प्रूफ के पास में। तो चलिए, लेकिन यार इससे पहले मैं आपको याद दिला के फिर से भीख मांगने वाला हूँ। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, उसके बाद में बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, और यार वीडियो को भी लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है मेरे को। सीक्रेट रूम नंबर 1 प्रूफ। तो हमें सीक्रेट रूम में जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए फटाक से हमने के सीढ़ी को उठा लेते हैं और चलते हैं सीक्रेट रूम में। फटाफट दरवाजा खोलो और चलते हैं सीक्रेट रूम में। अभी अपनों को ने क्या यहाँ से ऊपर में थोड़ा सा जगह दिखेगा, देखो भाई यहाँ पर ने क्या हमें गैप दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें नहीं कि यहाँ पर बरोबर सीढ़ी लगा देना है, बरोबर नहीं कि लग भी जाएगा अगर हम छोड़ देंगे तो। और देखो भाई हम आ गए सीक्रेट रूम में, है ना भाई ये सीक्रेट रूम। मेरे को लगता है कि ये सीक्रेट रूम खाली इसलिए है क्योंकि स्कैरी टीचर में नए नए चैप्टर्स अनलॉक होते रहते हैं, और आगे चल के हो सकता है कि इस रूम का भी नहीं क्या हमें काम पड़े, आगे चल के कोई नए चैप्टर्स में नहीं कि हमें इस रूम का काम पड़ सकता है, इसके लिए शायद से है। और इस रूम का कोई भी खिड़की भी नहीं खुलता है भाई, सही है, क्योंकि हमें इस रूम का कोई भी काम नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में स्कैरी टीचर के तीनों भी सीक्रेट रूम के बारे में बता दिया है, और अगर आप इस वीडियो में गलती से 100 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो अगला वीडियो आ जाएगा ग्रैनी 3 के सीक्रेट्स के ऊपर। तो करो यार फिर कंप्लीट, नहीं होगा कितना भी कर लो नहीं होगा।